हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्लांट के बगैर इस अर्थ पर, इस जमीन पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो प्लांट के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट ही जमीन पर वो अकेले सोर्स हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलता है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, और यही एक नेचुरल सोर्स होता है। पूरे जो भी एनिमल्स हैं सबको ऑक्सीजन मिलता है इसी से, रेस्पिरेशन के लिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर प्लांट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन के बगैर किसी भी एनिमल की लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये हो गया कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा अगर प्लांट नहीं है तो। दूसरा ये है कि जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड भी तो प्लांट पर करते हैं खाने के लिए। उनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो खाने के लिए, अपने फूड के लिए, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। अब कुछ एनिमल्स से वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल्स से वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब ये है कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो जो कुछ एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल फिर जा करके प्लांट को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। तो कुछ एनिमल डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनका वो भी फूड मटेरियल उनका ख़त्म हो जाएगा, और वो जब प्लांट नहीं रहेंगे तो फिर वो जो एनिमल्स हैं जो प्लांट को खाते हैं उनको फूड नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन के बगैर तो वैसे भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, फूड के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। तो जहाँ तक प्लांट्स की बात की जाए कि प्लांट्स के बगैर इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है, तो प्लांट के बगैर इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट से ही फूड मिलता है और प्लांट से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।